सावन के पावन पवित्र महीने में हर व्यक्ति देवों के देव महादेव को मनाने में लगा हुआ है। चाहे वह कांवड़िया हो या अपने भजनों के माध्यम से भोले को रिझाने में लगे हुए हैं। कोसी कला के सावन के पवित्र महीने में जगह जगह पर देवों के देव महादेव के भजनों का गुणगान हो रहा है। कोसी कला नेशनल हाईवे पर स्थित अगरवाटिका में आज शिव भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस आयोजन में अपने अपने भावों से देवों के देव महादेव को मनाने में भक्तगण लगे हुए हैं। इस भजन संध्या में शिव के भक्तजनों की अपार भीड़ देखने को मिली और सब भोले के रिझाने में लगे हुए थे। कलाकारों द्वारा माँ शारदे हो या गणेश जी या फिर माँ वैष्णो देवी, सबको इस भजन संध्या में अपने भजनों के माध्यम से बुलाते हुए नजर आए। और कहा जाता है कि जो एक बार भोले को मना लेता है तो भोले बाबा उनको बिना मांगे सब कुछ नौछावर कर देते हैं। जब हमने इस भजन संध्या में भजन गा रहे एक कलाकार से बात की तो उन्होंने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। नाम जानूंगा। मेरा नाम है अशोक भार्गव। तो आज क्या कहना चाहेंगे, बोले ये जो आप भजन जो चल रहे हैं तो किस उपलक्ष्य में किए जा रहे हैं? सावन का एक पवित्र महीना होता है ये, और सावन का महीना चल रहा है। बहुत ही भोले बाबा का जो महीना ये आता है, लोगों में बहुत सारा उत्साह रहता है। कांवड़िया भी देखो, कांवड़ लेने जा रहा है कोई, अमरनाथ जी आ रहा है कोई, कहीं जा रहा है। अभी हमारा जो प्रोग्राम है ये भोले बाबा के चलते रहते हैं। तो कहते ना कि हमसे ना पूछिए कि भोले क्या क्या देते हैं, हमसे ना पूछिए कि भोले क्या क्या देते हैं, और हाथ उठने भी ना पाए कि दिला देते हैं। ऐसे हैं दाता कि खुद पीते हैं बिस्का प्यादा और अपने भक्तों को अमृत पिला देते हैं। तो भोले बाबा तो हमारे दानी हैं, इनके बारे में तो हम जितना कहें उतना कम है।